गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जब जनता बगावत करती है। हमने इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश की कि जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अपना शासन किया और शासन करकर उसने एक 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 करके हमारी सारी जो सत्ता थी उन्होंने अपने अधिकार में ले ली और अपने बेतुके से नियम हमारे पर नीतियाँ कार्रवाइयाँ हम पर की, जिससे हमारे जो कि जनता के हित में नहीं थी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, तो उनके प्रभाव जो जनता पर पड़ रहे थे उन प्रभाव का क्या परिणाम निकला, किस तरह लोगों ने उसका विरोध किया, किस तरह से जनता ने बगावत की, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जिसमें हमने बताया आपको कि नवाबों की जो सत्ता छिनती जा रही थी और किसान और सिपाहियों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया था और सुधार की प्रक्रिया के बारे में, और उसके बाद में जनता की नज़र से अंग्रेजी शासन के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, इनको हमने आपको 84 जो नियमों की सूची थी उसके बारे में भी बताया। और हमने अपना टॉपिक शुरू किया था कि जब जनता को इन सब चीज़ों से परेशानी होने लगी तो उनके अंदर एक आक्रोश सा पैदा हो गया था, वह जिसके अंदर स्पेशली आपको बताया कि जो सरकार थी उन्होंने जो नई राइफल में इस्तेमाल होने वाले जो कारतूस बनाए थे, जो हिंदू और मुसलमान की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, उसमें बताया गया था कि सूअर की चर्बी का लेप उसमें लगा हुआ है, उससे उनमें और ज़्यादा उत्तेजना का माहौल बन गया था और वह बहुत नाराज थे अंग्रेजों से। और सैनिकों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेरठ से दिल्ली तक। आपको ज्ञात होगा मंगल पांडे का आपने नाम बहुत सुना है, इस पर कई पिक्चर भी हमारे यहाँ बनी हैं। एक युवा सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजी अफसर पर हमला किया था, ठीक है, वो इतने ज़्यादा आक्रोश में थे कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अंग्रेजी जो अफसर थे उन पर हमला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में जो अफसर पर जिन्होंने हमला किया था उसके आरोप में फांसी पर लटका दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात मेरठ के कुछ और सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वे कारतूस जो थे वो गाय और सूअर की चर्बी के लेप उस पर चढ़ाया हुआ था और वह उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था। जब उन्होंने इस्तेमाल करने से मना किया तो ऐसे 85 सिपाहियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। वे अपने क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि वह विद्रोह करने लगे थे। सिपाही क्या है, सैनिक क्या थे, विद्रोह करने लगे थे, वह अपने आला अफसरों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, उनका हुक्म मानने से मना कर रहे थे। अपने हुक्म न मानने के आरोप में उन्होंने उन्हें 10-10 साल की सजा भी दे दी गई थी और यह बात है आपकी 9 मई 1857 की। तो जो ये 1857 की क्रांति जो हुई ना, वो किस तरीके से फैली, इसी को इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रक्रिया भी इसी तरह जबरदस्त बदलाव उसमें देखने को मिला। और हमारे सिपाही हैं उन्होंने 10 मई को मेरठ के जेल पर धावा बोला और वहाँ पर जितने भी उनके सिपाहियों को बंदी बना रखा था उन्हें उनको स्वतंत्र करा लिया, आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर भी हमला किया और उनको भी मार गिराया। उन्होंने बंदूकें और हथियार जो भी वहाँ पर थे उनको भी अपने कब्जों में ले लिया और अंग्रेजी इमारतों और संपत्तियों को आग लगाकर उसको इसके हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी शब्द जो है उन्होंने अंग्रेजों के लिए एक अपवादजनक अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया, अंग्रेजियों को फिरंगी बोला क्योंकि वो रंग बदलते थे तो उनको फिरंगी का नाम दिया। एक विदेशी जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए हमारे जितने भी ये विद्रोही थे उन्होंने युद्ध का ऐलान किया और उनको नाम दिया फिरंगी। और सिपाही पूरे देश में भारत का जो अंदर अंग्रेजों का शासन था उसको ख़त्म करने के लिए सब तैयार हो गए थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज के जाने के बाद भारत के देश का शासन कौन चलाएगा। इसका जवाब भी सिपाहियों ने अपने आप ही ढूंढ लिया कि मुगल बादशाह जो है
बहादुर शाह जफर, उसको हम क्या करेंगे, देश की कमांड सौंपेंगे, उनको हम अपना राजा बनाएंगे और वो हमारे देश का शासन चलाना चलाएंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात ही रात घोड़ों पर सवार होकर सुबह सवेरे ही दिल्ली अंधेरे में पहुंच गई, और जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में जो पहले से तैनात टुकड़ियां थी उन्होंने क्या कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यानी बगावत कर दी और वहां के अंग्रेजी अफसरों को मार गिराया। देसी सिपाहियों ने हथियार, गोला बारूद जितने भी थे वहां पर उनको भी उन्होंने क्या किया, अपने हिफाजत में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही कहाँ इकट्ठे हो गए, लाल किले की दीवार के आसपास इकट्ठे हो गए और बहादुर शाह जफर से वह मिलना चाहते थे। बहादुर शाह जफर जिसको कि वह अपना शासन देखना चाहते थे और चाहते थे कि भारतीय शासन सत्ता वह संभाले। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकतों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे। आखिरकार उन्होंने क्या किया, जबरन क्या किया, जाकर अपने महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया कि आज से हमारे बादशाह ये है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश भर में अपने जितने भी शासक थे, मुखिया थे, उनको चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य को एक संघ बनाने का कह दिया। उसके बाद में बहादुर शाह जफर को एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने हैं। बहादुर शाह जफर ने जब अब ऐसा किया कि सबको बोला कि हमें तो अंग्रेजों को बाहर निकालना है, उनके खिलाफ बगावत करनी है और संघ बना लीजिए, हमें तो लड़ना है। अंग्रेज जो पहले से देश में बहुत बड़े हिस्से पर मुगल अंग्रेजों से पहले हमारे भारत देश के अंदर एक बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन ही था। ज़्यादातर छोटे शासक रजवाड़े मुगलवार भाषा के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाया करते थे। ब्रिटिश शासक के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे जो हमारे राजा थे, शासक थे, उनको लगता था कि अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दोबारा शासन स्थापित कर लेगा तो वह मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों में अपना शासन निष्फिक्री बेफिक्री से होकर चलाने लगेंगे, यानी हालात पहले जैसे वापस से हो जाएंगे। अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद कतई नहीं थी कि इस तरह का हमारे साथ होगा, क्योंकि वो तो अपने आप को समझता कि हमने भारतीयों को अपने कब्जे में किया है। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति तो बिल्कुल पलट गई, जैसे कि अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को रास्ता नहीं दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस कोई रास्ता दिखने लग जाता है हमको, तो हमारा उत्साह और साहस बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे भारत में हमारे जो थे विद्रोही थे, सैनिक थे, उनका हुआ। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए तो उनको एक क्या मिलते हैं ना, एक नेता मिल गया था बहादुर शाह जफर के रूप में। उनको लगा था कि इनके नेतृत्व में हम अब आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास का उनको बढ़ावा मिला, बल मिला। अब वह आगे की ओर चलने लगे और किस प्रकार से बगावत फैलने लगी इसको हम पढ़ते हैं। बगावत कैसे फैलने लगी, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे तो लगभग एक हफ्ता तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी तो कुछ समय लगता ही है, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो गया। कैसे हुआ, एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी गांव के लोग, कस्बों के अंदर रहने वाले लोग, वो भी उनका साथ देने के लिए बगावत के रास्ते पर चल गए और हर गांव के स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया पीछे से संगठित हो गए और लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों को हराने के लिए हर तरीके से तैयार होने लगे थे। सरवई बाजीराव पेशवा जो थे, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने भी सेना इकट्ठी करी और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ऐसा ऐलान करने के बाद बहादुर शाह जफर के तहत वे गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस गद को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश केंद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना क्या मनाया, बादशाह माना। उनकी मांग थी हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देकर बढ़ चढ़कर साथ दिया।
रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो थी उन्होंने भी विदुर सिपाहियों से जाकर मिल गई और उन्होंने नाना साहब के सेनापति जो तात्या तोपे थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ जबरदस्त लड़ाई और युद्ध किए और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र और राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी 4,000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज के प्रशासन पर क्या कर रखा था, नियंत्रण में ले रखा था, यानी उनको अपना दावेदार बना रखा था। अब क्या हुआ, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या तो थी कम और हमारे तो भारत में आपने देखा जनसंख्या बहुत है, लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, तो अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब विदेशी जो हम हैं उनकी तो संख्या बहुत कम है और भारतीयों की संख्या ज़्यादा है और उन्होंने इतने संगठन स्थापित कर लिए, बहुत सारे मोर्चों पर उनको उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने के लिए और ज़्यादा गहरा आत्मविश्वास मिल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना जब जीत हासिल होती रहती है तो हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर होने लगते हैं, हमारे एक बार नंबर ज़्यादा आते हैं तो हम और ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं ना लाभ इंस्पिरेशन का प्रोत्साहन का कार्य करता, तो यहाँ पर उनको लगने लगा था कि हमारी जीत हमें प्रोत्साहित कर रही है। खासतौर के में अवध के इलाकों के अंदर चौतरफा बगावत की स्थिति थी और 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ के टेलीग्राम में जो लिखा था उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि अंग्रेजों को किस तरह से भय व्याप्त था। वो बोल रहे कि हमारे लोग विरोधों की संख्या में और लगातार लड़ाई में कर करके थक चुके हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ हो चुका है और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो ये जो सेंटेंस बोला उससे उनके खाफ साफ उनका खौफ नजर आ रहा था कि अब वह भारतीयों से लड़ने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रहे थे। इस दौरान बहुत सारे नेता भी सामने आए, उदाहरण के लिए फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में भी अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली में भी सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों का एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली में कूच कर लिया था। इस बगावत में मुख्य व्यक्ति वह साबित हुए। बिहार में भी एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की और तमाम इलाकों में नेताओं और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा लेते रहे। तो ये इस तरीके से ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के दाएं बाएं सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। और यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाए हैं, रानी लक्ष्मीबाई वीर कुंवर सिंह जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा रहे इन विद्रोह के। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो सैनिक विद्रोह था वह जन विद्रोह बन गया और विद्रोह का हालत ये थी कि उन्होंने पूरी तरह से समूचे भारत को इस अंग्रेजों को बाहर निकालने की जो लड़ाई विद्रोह के रूप में बगावत के रूप में की उसमें सभी तरह के स्थानीय लोग, कस्बों में रहने वाले जमींदार, नेता, बादशाह, नवाब, ये सब पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया उन लोगों ने और पूरी तरह से उनको आश्वासन सा नज़र आने लगा उनकी हर चीज से कि अब थोड़े से दिन का ही समय है कि जब अंग्रेज खदेड़ दिए जाएंगे। आज यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम कल अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर आगे बढ़ेंगे कि कंपनी का क्या पलट